जय श्री श्याम। उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और कुशल मंगल होगा। बाबा श्याम की कृपा सदा आप सभी श्याम भक्तों पर बनी रहे। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं खाटू श्याम जी की अर्जी की महिमा क्या है और खाटू श्याम जी की अर्जी या अरदास होती क्या है। तब जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। इस पृथ्वी पर दुख ही दुख हैं। जब से कलयुग की शुरुआत हुई है तब से इच्छाओं के बढ़ने की वजह से दुख भी बढ़ता जा रहा है। हर इंसान किसी न किसी परेशानियों से घिरा हुआ है। इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए इंसान को किसी सहारे की ज़रूरत होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बाबा श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जो भी कोई सच्चे मन से आपका स्मरण करेगा उसके सभी बिगड़े काम पूरे हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण के वरदान की वजह से खाटू श्याम जी के मंदिर की महिमा दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। यहाँ पर देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालुओं बाबा श्याम के दर्शन के लिए आते हैं। बहुत से श्रद्धालु बाबा श्याम के दरबार में अर्जी या अरदास लगाते हैं, फिर चाहे वो खाटू आ पाएं या नहीं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि खाटू श्याम बाबा की अर्जी क्या होती है। खाटू श्याम बाबा, खाटू धाम में विराजमान हुए बाबा श्याम सभी दीन दुखियों की पुकार सुनकर उनके सभी कष्ट दूर करते हैं। बहुत सारे भक्त अपनी अरदास इसे कागज पर लिखकर लाते हैं और मंदिर में पुजारी के माध्यम से बाबा तक अपनी बात पहुंचाते हैं। श्याम भक्तों का ऐसा विश्वास है कि इस प्रकार से लिखी हुई मनोकामनाएं बाबा श्याम अवश्य पूरी करते हैं। कागज पर लिखी हुई ये प्रार्थनाएं ही खाटू श्याम जी की अर्जी या अरदास कहलाती है। बाबा श्याम के भक्त अपनी मन्नत को अरदास अर्जी के माध्यम से लिखकर बाबा श्याम तक पहुंचाते हैं। भक्तों का ऐसा विश्वास है, ऐसा मानना है कि श्याम बाबा को लगाई हुई ऐसे अर्जियां बाबा स्वीकार करते हैं और उनके मन की मुराद पूरी करते हैं। ज़्यादातर भक्त बाबा श्याम के दरबार में नौकरी, संतान, शादी, कारोबार, बीमारी, सुख शांति आदि से संबंधित अर्जियां लगाते हैं। बाबा श्याम की अर्जी की महिमा क्या है? कहते हैं कि श्याम बाबा का नाम लेने मात्र से ही भक्तों के सारे कष्ट कट जाते हैं। जब श्याम बाबा के नाम में इतनी शक्ति है तो सोचिए उनके सामने की गई प्रार्थना में कितनी शक्ति होगी। खाटू श्याम जी की अर्जी भी तो बाबा श्याम के चरणों में की गई प्रार्थना ही तो है, इसलिए बाबा श्याम की अर्जी की महिमा अपरंपार है। सच्चे मन से बाबा श्याम के चरणों में लगाई हुई अरदास हमेशा पूरी होती है, फिर चाहे वो खाटू में अपने खुद आकर लगाई हो या फिर किसी को भेजकर लगाई हो। सच्चे मन से लगाई गई अरदास कभी खाली नहीं जाती है। हर दिन में खाटू में श्याम भक्तों के साथ ऐसा ही चमत्कार देखने को मिलता रहता है। अंत में हम सिर्फ सभी श्याम भक्तों से इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर आपके लिए संभव है तो बाबा के धाम यानी खाटू जाकर ही अपनी अर्जी लगाएं। यदि आपका खाटू जाना संभव नहीं है तो आप अपनी अर्जी को खाटू भेजकर या अपने आसपास के किसी भी श्याम मंदिर में लगा सकते हैं। अगर आपने अरदास सच्चे मन से लगाई है तो श्याम बाबा आपकी अरदास को ज़रूर सुनेंगे। वैसे तो आप बाबा श्याम की अरदास कहीं पर भी लगा सकते हो, अपने घर के मंदिर में बैठकर भी लगा सकते हो, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन अगर आप खाटू धाम आकर बाबा श्याम के समक्ष अपनी अरदास बोलेंगे तो अगर आपके लिए संभव हो सके तो आप बाबा के धाम यानी खाटू धाम जाकर ही अपनी अर्जी लगाएं। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम।